adults and animals will be also coming. There are different species of animals. एक दूसरे को अलॉट करेंगे तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. आपको टाइगर और पिट के रिश्ते के बारे में बताना होगा. टाइगर मोस्टली पिट को अपना शिकार बनाता है, लेकिन नेचर ने हमें कुछ अमेजिंग दिखाया. एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ था थाईलैंड के एक जू में, जिधर टाइगर के कब्स को पिक्स ने पाला और पिक्स को टाइगर ने. किसी भी मदर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने उन कब्स को बड़े ही प्यार से पाला. वर्कर्स और साइंटिस्ट का मानना है कि अगर इसी तरह टाइगर्स पिक्स को पालते रहे या किसी भी जानवर को अडॉप्ट करते रहे, उनके नेचर को अडॉप्ट करते रहे, तो टाइगर सभी जानवर के साथ दोस्ती निभाएंगे, तो वो सीख जाएंगे कि वो उनका खाना नहीं है. हरमन एक पिजन है जो उड़ नहीं सकते और लंडी एक डॉग है जो चल नहीं सकती. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये दोनों कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. फाउंडेशन जो दोनों को संभालती है, उससे अब तक कई ऑफर आ चुके हैं कि कस्टमर्स इन दोनों को भी एक साथ अडॉप्ट कर लेंगे, ताकि ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो सके. साउथ कैरोलिना के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 3 टाइगर और एक ओरैंगुटन बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं. इस ओरैंगुटन ने टाइगर के केयरटेकर्स को देखा और उसे भी टाइगर्स का केयर टेकिंग करना था, और ऐसे करते करते उसने उनके साथ फ्रेंडशिप कर लिया. में श्रीलंका में एक टाइगर ने अपने कब को रिजेक्ट कर दिया. ऐसा नेचर में कई बार होता है. अगर आप जानना चाहते हैं क्यों, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. तब एक डॉग उस कब को रेस्क्यू करने आता है, और इस डॉग ने उस कब को अपने ही पपी मानते हुए उसे पाला. एक टाइगर कैसे भी उन डॉग्स के साथ नहीं रह सकता.